माई चैनल, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। सो हमने लास्ट क्लास में यूलर सर्किट्स एंड यूलर पाथ के बारे में समझा था कि वो क्या होते हैं और हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं यूलर सर्किट्स को, यूलर पाथ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूलर के ऊपर या यूलर सर्किट्स के ऊपर जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं वो है कि हमें प्रूफ करना होता है कि जो रीजन निकालने का जो फॉर्मूला था ई माइनस वी प्लस टू दैट इज़ एजिस माइनस वर्टेक्स प्लस टू, उसे हमें प्रूफ करना होता है। सो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। ओके, लेट्स बिगिन। सो हमें पता है कि हम रीजन कैसे फाइंड करते हैं। हम रीजन फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, वो है ई माइनस वी प्लस टू। मतलब अगर जी कोई ग्राफ है, लेट जी बी अ सिंपल ग्राफ विथ ई एजेस एंड वी वर्टिसेस, लेट आर बी द नंबर ऑफ रीजन इन अ प्लेनर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी, देन आर कैन बी फाइंड बाय दिस फॉर्मूला। ओके, एंड प्लेनर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? प्लेनर ग्राफ्स जो हमने देखा था, प्लेनर ग्राफ्स जिसमें कोई भी जो एज होती है वो किसी दूसरी एज को इंटरसेक्ट नहीं करती, वो उन ग्राफ्स को हम प्लेनर ग्राफ्स कहते हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, तो हमें प्रूफ करना है आर इज इक्वल टू ई माइनस वी प्लस टू। ठीक है, इसको हम प्रूफ करेंगे इंडक्शन से। ठीक है, तो जैसे कि हम सबको पता है इंडक्शन के तीन स्टेप्स होते हैं। सो नंबर वन होता है बेस स्टेप। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है बेस स्टेप। बेस स्टेप सबसे छोटी वैल्यू के लिए हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो होल्ड करती है कि नहीं करती। और अगर हम इस किसी ग्राफ की बात करें तो ग्राफ के लिए मतलब हमारे पास सबसे छोटी चीज़ क्या होगी, सबसे छोटा ग्राफ क्या होगा कि जिसमें सिर्फ एक ही एज हो, राइट, है ना। तो अगर हम एक एज बनाते हैं एक ग्राफ में तो जाहिर सी बात है कि उसके दो वर्टिसेस तो होंगे, बिना वर्टिस का तो कोई ग्राफ बन नहीं सकता। ठीक है, तो हमारे पास एक एज है और हमारे पास दो वर्टिसेस है। ठीक है, यानी कि ई हमारा वन है, बी हमारा टू है। तो इसका हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला इस पर होल्ड करता है कि नहीं करता। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू ई माइनस वी प्लस टू। तो हमारे पास E है, V है और R। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि हम रीजन्स कैसे फाइंड करते हैं, अगर फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट नहीं करना और हमें ऐसे ही फाइंड करना है, क्या काउंट करना है, तो कैसे रीजन्स काउंट करते हैं। तो कैसे करते थे कि ये हमारा एक ग्राफ है, तो ये बाहर वाला रीजन एक रीजन हुआ और ये अंदर वाला रीजन एक रीजन हुआ, राइट, ऐसे दो रीजन्स हुए। पर ये ग्राफ तो ओपन ग्राफ है, ये क्लोज ग्राफ है, इसलिए इसके एक से ज़्यादा रीजन्स है। ये तो ओपन ग्राफ है, इसका कोई और वर्टेक्स तो है नहीं जो दूसरा रीजन क्रिएट कर रहा हो, इसमें सिर्फ एक ही रीजन है, वो है एक्सटीरियर रीजन। ठीक है, तो इस हमारी इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये फॉर्मूला हमारा होल्ड करना चाहिए। दैट मीन्स आर एच एस जो है वो एल एच एस के इक्वल होना चाहिए। तो हमारा आर है वन, अगर हम ये वैल्यूज पुट करें इसमें तो R हुआ हमारा 1, E इज 1 माइनस V इज 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये स्टेप जो है वो होल्ड करता है। ठीक है, हमने इंडक्शन का एक स्टेप देख लिया कि हमारा जो एक स्टेप है बेस स्टेप वो हमारा होल्ड करता है। ठीक है, फिर आता है हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 होता है इंडक्शन स्टेप, राइट। तो इंडक्शन स्टेप में हम किसी भी के वैल्यू के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो किसी के वैल्यू के लिए ट्रू है। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि कोई के वैल्यू के लिए जो इक्वेशन है वो ट्रू है। तो हमें थर्ड स्टेप के लिए क्या करना होता है, थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, हमें किसी k+1 वैल्यू के लिए देखना होता है कि
कि के प्लस वन के लिए वो होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो हम के प्लस वन के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर एक ग्राफ है जी जी के जो ये होल्ड करती है, तो हमें उसको जी के प्लस वन बनाना पड़ेगा ताकि हम ये वाला स्टेप उसको प्रूफ कर सके कि ये ट्रू है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसमें एक एज ऐड करते हैं, एज को हम नाम देते हैं ए के प्लस वन एंड बी के प्लस वन। ये हमारी एक एज है, यानी कि एज के दोनों वर्टेक्स हैं, ठीक है। तो ये हमारी एज हुई, इसको हम ऐड कर देते हैं इस ग्राफ में, दैट इज एडेड टू ग्राफ के टू बिकम जी के प्लस वन, ठीक है। तो हम अब एज कैसे ऐड करते हैं, अगर लेट्स से ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, और हमने इसमें एज ऐड करनी है, तो हम एज तो कैसे भी ऐड कर सकते हैं, है ना। तो लेट्स से हमने ये वाली एज को ऐड कर दिया, एक ये एज ये एज, तो ये बन जाएगी एक के प्लस वन। ऑब्वियस है कि अगर हमने एज को ऐड किया तो उसके वर्टेक्स हमें गिवन है, तो हमने उसको लेबल कर दिया बी के प्लस वन, ठीक है। बट अगर किसी ने क्वेश्चन किया कि ज़रूरी थोड़ा है कि हमें ग्राफ के अंदर ही एज बनानी है, हम ग्राफ के बाहर भी तो एज बना सकते हैं, हमें फिक्स थोड़ा दे रखा है कि हमें ये वर्टेक्स ग्राफ का ही वर्टेक्स लेना है, हम एक नया वर्टेक्स भी तो बना सकते हैं, है ना। तो इसके ऐसे केस में क्या हो जाएगा, अगर ये ग्राफ है और ये हमारा लेट से एक के प्लस वन है और हमें बाहर बनाना है कोई वर्टेक्स, तो ये ऐसे बन सकता है बी के प्लस वन, है ना। और तो कोई इसके केस बन नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने दोनों ही वर्टेक्स इस ग्राफ से अलग बना लिया तो वो एक अलग ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो हमें जो थर्ड स्टेप है उसको प्रूफ करने के हमारे पास दो केसेस हैं, केस नंबर वन ये है एंड केस नंबर टू ये है, ठीक है। तो अब हम इसे प्रूफ करते हैं कि ये केसेस को हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये इक्वेशन होल्ड करता है कि नहीं करता, ओके। सो एक एक करके लेते हैं केस। ये केस वन में हमने ये डायग्राम बनाया, ठीक है, और इसमें हमारी जो ये वर्टेक्स थी, ये दो वर्टेक्स को हमने कनेक्ट कर दिया एक एज बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना सा ग्राफ हो गया, तो ग्राफ तो कैसे भी हो सकता है कि यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे वर्टेक्स होंगे, यहाँ पे भी बहुत सारी एजेस होंगी, ऐसे बहुत बड़ा सा ग्राफ होगा जिसके अंदर हमने एक एज को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो ये ग्राफ था हमारा, जो ओरिजिनल ग्राफ था वो ये था, तो इसके अंदर रीजन कितने थे, एक ये बाहर रीजन था जो एक्सटीरियर रीजन जो हमेशा होता ही होता है, और ये क्लोज्ड ग्राफ है तो इसके अंदर ये पूरा एक एक रीजन था, ठीक है। जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया दो में, ये टू हाफ्स में डिवाइड हो गया, तो इसके कितने रीजन हो गए, एक रीजन ये हो गया अलग से, ठीक है, और एक रीजन ये हो गया अलग से, और एक जो एक्सटीरियर रीजन है वो तो है ही है। तो इस केस में क्या हुआ, हमारे जो रीजन्स थे वो हमारे इंक्रीज हुए, ठीक है। अगर रीजन्स इंक्रीज हुए, कितने से इंक्रीज हुए, यहाँ पे हमारे दो रीजन्स थे और यहाँ हमारे तीन रीजन्स हो गए, तो हमारे जो रीजन्स हैं वो हमारे एक से इंक्रीज हो गए, आर के बन गया आर के प्लस वन। और अब हम देखें कि हमारी एजेस में क्या फ़र्क आया, हमारे यहाँ पे एजेस कितनी थी, एक दो तीन चार, और हमने एक न्यू एज को कनेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक, तो हमारी एज क्या होगी, एक ज़्यादा हो गई, तो हमारी ई के बन गया ई के प्लस वन, ठीक है। और हमारी वर्टेक्सेस का ये आर के नहीं, आर के प्लस वन है, क्योंकि हम प्लस के प्लस वन के लिए देख रहे हैं, तो के प्लस वन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमने यहाँ पे के प्लस वन किया तो पुरानी रीजन से एक ज़्यादा बन गई, और नई जो एजेस हैं ई के प्लस वन वो पुरानी एजेस से, पुरानी एजेस जो ई के थी उससे एक ज़्यादा हो गई, ठीक है। ऐसे ही हम न्यू एजेस न्यू वर्टेक्स देखेंगे वी के प्लस वन,
वी के प्लस वन क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे कितने वर्टेक्स हैं, एक दो तीन चार, और यहाँ हमारे कितने वर्टेक्स हैं, एक दो तीन चार। वर्टेक्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो जो हमारा नई वाली वर्टेक्स है वो हमारी पुरानी वाली वर्टेक्स के इक्वल है, ठीक है। इसको हमने पुट किया इक्वेशन वन में, हम पुट करेंगे इक्वेशन वन में। हमारे जो जो इक्वेशन वन है वो हमारी के प्लस वन के हिसाब से हम उसको मॉडिफाई करते हैं, तो आर के प्लस वन इक्वल टू ई के प्लस वन माइनस वी के प्लस वन प्लस टू। तो हम इसमें जब ये वैल्यूज हमने जो निकाली है उसमें हम सब्सटीट्यूट करें, आर के प्लस वन क्या है हमारा, आर के प्लस वन इज इक्वल टू ई के प्लस वन, वी के हमारा सेम था वी के एंड ये प्लस टू, ठीक है। तो आर के इज इक्वल टू ई के, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ई के माइनस वी के प्लस टू और ये प्लस वन, और यहाँ से प्लस वन आर के माइनस वन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल हो गया और ये हमारा क्या बन गया, आर के इज इक्वल टू ई के माइनस वी के प्लस टू। यानी कि इस केस के हिसाब से ये इक्वेशन होल्ड करती है, ये इक्वेशन ट्रू है, और हमने ये एक केस प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। अब आते हैं हम केस टू। अब ये वाला केस में देखते हैं कि इस केस में क्या चेंजेस आए। केस टू में क्या कहते थे कि हमारा जो वर्टेक्स है, हमने एक वर्टेक्स बाहर की तरफ ले लिया, लेट्स से ये वाला ले लिया हमने बाहर की तरफ, ये हो गया बी के प्लस वन और ये है ए के प्लस वन, ठीक है। जैसे ही हमने बाहर की तरफ लिया तो हमारा ओरिजिनल जो था, ओरिजिनल ये था, तो हम पहले इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं, आर के प्लस वन न्यू रीजन की, न्यू एज की और न्यू वर्टेक्स की, ठीक है। इसमें कितने रीजन्स थे, एक बाहर था और एक अंदर था, और इसमें कितने रीजन्स हैं, एक ये अंदर वाला रीजन है और एक ये बाहर वाला रीजन है। ये वाला जो है वो क्लोज नहीं है, अगर ये क्लोज नहीं है तो हम इसको एक रीजन काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हम पूरे को एक ही रीजन काउंट करेंगे, तो हमारा पहले भी दो थे और अभी भी दो हैं, तो जो न्यू रीजन है वो हमारी पुरानी रीजन के इक्वल है, ठीक है। और जो एज है, एज पहले कितनी थी, एक दो तीन चार, और अब कितनी है, एक दो तीन चार एंड पाँच। एक एज बढ़ गई क्योंकि हमने एक एज को पहले से ही ऐड करा है, क्योंकि हमने अज्यूम ही किया है कि हम एक एज को ऐड करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी नई वाली एज है वो पुरानी वाली एज से एक ज़्यादा है, ठीक है। और हमारा वर्टेक्सेस पे क्या चेंजेस आए, हमारे वर्टेक्स पहले थे चार और अब बन गए एक दो तीन चार और पाँच, हमारे वर्टेक्स भी एक ज़्यादा हो गए, वी के प्लस वन, ठीक है। क्योंकि इसमें वर्टेक्स हमारे ज़्यादा क्यों गए, क्योंकि हमने एक वर्टेक्स आउट ऑफ द ग्राफ लिया है, इसलिए वो काउंट करते ही हमारा एक ज़्यादा हो गया। अब हमने जैसे ही उसको इक्वेशन में पुट किया तो हमारा जो आर के प्लस वन था वो हमारा आर के है, और ई के प्लस वन बन गया हमारा ई के प्लस वन माइनस वी के प्लस वन एंड प्लस टू। हमने इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। हमने जैसी वैल्यूज पुट की हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्यों आया, क्योंकि बाहर माइनस था एंड ये पूरी इक्वेशन के बाहर माइनस, तो अंदर के साइन चेंज होंगे, ऐसी मिस्टेक्स आप मत करना एग्जाम में, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमने ब्रैकेट खोला तो ये बन गया माइनस वी के माइनस वन प्लस टू, और सिंप्लीफाई किया तो ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया, ई के माइनस वी के प्लस टू, ठीक है। तो ये भी हमने केस को प्रूव कर दिया। तो हमने इस इंडक्शन से प्रूफ करके दिखाया कि ये जो इक्वेशन है, हम जो रीजन फाइंड करने की है वो एकदम सही है, और उसका प्रूफ ये रहा। उसके लिए दो केसेस बने थे, केस वन एंड केस टू। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है इसका क्वेश्चन, मतलब सीधा मुँह उठा के पाँच नंबर का दे देते हैं। और सीरियसली इतना ईजी है ये, इस पर इतना कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई कैलकुलेशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी, सिर्फ
सिंपल सा कॉमन सेंस चल रहा है, अगर बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता है तो सिर्फ ये कॉमन सेंस चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा। तो ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपके भी अभी आ गया ना तो 5 नंबर तो पक्के हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।